मित्रों स्वागत है आपका ज्ञानगंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो चैप्टर नंबर 12 है अर्थात दोष भेदी अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो सिलेबस का जो तीसरा और चौथा पॉइंट है अर्थात तीसरा पॉइंट क्या है त्रिविधि कारण। आप सिलेबस में देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है त्रिविधि कारण और चौथा पॉइंट है त्रिविधि रोग मार्ग। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लोग लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम लोग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिविध कारण किसके त्रिविध कारण पहले बात होती है, त्रिविध कारण किसके होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिविध कारण आप देखेंगे तो रोगों के तीन कारण होते हैं। रोगों त्रिविध कारण हम लोग जब भी बात करेंगे दोष में दिया जाए, दोष किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोगों के प्रति, है ना। तो त्रिविध कारण अर्थात रोगों के तीन कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखेंगे। दो यहाँ पर जब हम लोग ये हेडिंग देखते हैं तो जब बुक उठाते हैं अष्टांग हृदय की तो यहाँ पर देखेंगे लंबा चौड़ा उसके बारे में लिखा गया है। तो घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। मुख्यतः तीन बातें बतानी है कि तीन कारण कौन कौन से हैं वहाँ पर देखेंगे। अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ असात्म संयोग, और इसी तरह से काल और कर्म का असात्म संयोग, ये तीन कारण होते हैं। और प्रत्येक के इन तीनों में से प्रत्येक के तीन तीन कारण होते हैं, अर्थात कौन कौन त्रिविध कारण होते हैं तो देखेंगे हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। हीन योग, अति योग और मिथ्या योग ये तीन कारण है। तो जो तीन प्रकार के जो संयोग होते हैं उन प्रत्येक का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे दोष प्रकोप के संक्षिप्त कारण। सबसे पहले जो कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो कहने के दोषों का प्रकोप तो होना स्वाभाविक है। तो यहाँ देखेंगे तेसाम कोपेतु कारणम। अब यहाँ पर हम दोषों के प्रकोप के कारण के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से दोष प्रकोपित होंगे। जब दोष प्रकोपित होंगे तो कहीं ना कहीं वही रोग की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अर्थ है असात्म्य संयोग काल कर्म च दुष्कृतम। अर्थात मतलब होता है कि इंद्रियों के विषयों का अर्थ है असात्म्य, इंद्रियों के विषयों का असात्म संयोग, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ असात्म संयोग, असात्म संयोग कह रहा है ना। अर्थ है असात्म संयोग, असात्म संयोग किसका, अर्थ का, काल का, कर्म का, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ, काल का, कर्म का, ये तीन प्रकार के जो होते हैं असात्म संयोग ही ये होते हैं, ये दुष्कृत होते हैं। उसमें देखेंगे कि प्रत्येक जो संयोग है अर्थात अर्थ, काल और कर्म, ये प्रत्येक जो तीन संयोग है ये तीन प्रकार का होता है। हीन, अति, मिथ्या, योगिन, विदते तत्पुरंत्रता। और इस ये प्रत्येक जो अर्थ है, काल है, कर्म का असात्म संयोग, अब ये प्रत्येक तीन भेद होते हैं इसके। अर्थात हीन योग अर्थात अर्थ का जो है हीन योग, अति योग, मिथ्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, काल का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग पढ़ेंगे, और कर्म का हीन योग, अति योग, मिथ्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिटेल में उसी बारे में बताया गया है। ये देखेंगे कि पहले नंबर पे अर्थ था, तो पहले नंबर पे अर्थ का अर्थात अर्थ का मतलब होता है इंद्रियों का अपने विषयों के, इंद्रियों के विषय जो होते हैं उसको अर्थ बोलते हैं, इंद्रियों के विषय अर्थात अर्थ बोले जाते हैं। तो अर्थ अर्थात इंद्रियों के विषयों का हीन योग, मिथ्या योग, हीन, मिथ्या, अति योग आदि योगों के लक्षण के बारे में बात कर, तीनों योगों के बारे में हीन योग, अति योग, मिथ्या योग के बारे में बोल रहा है। क्या देखेंगे हीन योग क्या होता है, पहले हम लोग हीन योग देखेंगे, फिर अति योग देखेंगे, फिर मिथ्या योग देखेंगे। तो हीन अर्थे इंद्रिय अल्प संयोग स्वेन नय वा, अर्थात हीन योग किसे कहेंगे, इंद्रियों के अर्थों का हीन योग क्या कहलाएगा, किसे डिफाइन करेंगे। तो अर्थेन इंद्रिय मतलब इंद्रियों के अर्थों का अल्प संयोग होना, या अल्प संयोग होना, या न वा अर्थात या संयोग नहीं होना, ये एक तरह से इंद्रियों के अर्थों का हीन योग में काउंट होगा। उसके बाद देखेंगे अब दूसरे नंबर पे हीन के बाद एक तो बिल्कुल संयोग नहीं होना या बहुत कम मात्रा संयोग होना हीन योग कहलाएगा। दूसरा है कि अति संयोग, तो देखेंगे अति योगो, अति योग के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थात इंद्रियों का अर्थों का अपने विषयों से, इंद्रियों का मतलब अपने विषयों से या अर्थों से अति मात्रा में अति संसर्ग बहुत ज़्यादा संयोग होना क्या कहला अति योग कहलाता है। क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है कि मिथ्या योग, मिथ्या योग के लिए लंबी चौड़ी बात कही है, देखेंगे इसको समझेंगे कि सूक्ष्म भासुर भैरव, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी सी चीज को देखना। आप कोशिश करो दूर कोशिश करो या कोई डस्ट का पार्टिकल उसको देखने कोशिश करो, बहुत कष्टदायक होता है। भासुर का मतलब बहुत ही चमकदार, जैसे आप दोपहर का समय है
आप तो सोचो कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की तरफ हम देखें तो क्या संभव है, मतलब बहुत कष्टदायक होता है। ये मिथ्या युग में काउंट होता है। तो एक तरह से बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखना, दूसरा है भासुर मतलब बहुत ही चमकीली वस्तु को देखना, जैसे अचानक से रात में आपके सामने ट्रक की लाइट आ जाए तो क्या है अतिदीप्त, भासुर का मतलब अतिदीप्त बहुत चमकीली वस्तु हो जाएगा, तो उसको देखना, उसके सामने देखना मिथ्या योग है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। देखेंगे भैरव, भैरव मतलब भयंकर, बहुत भयंकर भारी चीज़ों को देखना। उसको देखेंगे कि अति आसन्न है, बहुत ही नज़दीक वस्तु देखना। तो हम लोग जानते हैं कि जो निकट, जो किसी वस्तु को देखने की जो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है, फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ा था, तो प्रकाश वाले में हम लोग चैप्टर पढ़ा था, लाइट वाले में, तो 25 सेंटीमीटर से बिलो अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। करा अति आसन्न या अति दूरस्थ या बहुत दूर की वस्तु को देखना, ये या विप्री मतलब कि प्रिय वस्तु को नहीं देखना, कुरूप वस्तु को देखना, विकृत मतलब टूटी फूटी वस्तु को देखना, ये क्या कहते हैं, ये यद छोड़ा बिछते रूपम मिथ्या योग है सर। ये इस प्रकार की जो चीज़ें नेत्रों के द्वारा जो भी मिथ्या योग की बात की गई है, यद यक्षरा, यक्षरा मतलब नेत्र के द्वारा विच्छते रूपम, जो रूप दिखाई दे रहा है ये सब जो अति सूक्ष्म महासूर भैरव अति आसन्न अति दूर विपरीत विपरीत आदि, ये नेत्रों के द्वारा जो रूप दिखाई दे रहा है वो मिथ्या योग का एग्जाम्पल है, और वो सदारुण होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। तो यहाँ देखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं मिथ्या योग के, वो आँखों के लिए बहुत कष्टकारी होता है। उसी तरह से हमें ये भी जानना है कि नेत्रों के तरह अन्य इंद्रियों का, चाहे हम नाक की बात करें, चाहे नाक की बात करें, चाहे कान की बात करें, उसी तरह हम लोग को समझना है। जैसे एवं एवं उच्च मतलब कानों के द्वारा अति उच्च शब्दों को सुनना, जैसे आप होली दिवाली के समय अचानक से बड़ा वाला बम फूट जाए, टायर फट जाए, तो क्या होता है अचानक से चौंक जाते हैं, तो वो क्या है, कानों के लिए बहुत तेज आवाज़ सुनना क्या मिथ्या योग है। उसी तरह से जो नाक होता है, तो नाक तो हमेशा इंतजार करता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ घर में बन रही हो, बहुत ऐसी दुर्गंधी चीज़ें, मरी हुई सड़े गली चीज़ें नाक में आती, तो इस तरह से आपको बहुत बैड फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड मिथ्या योग। मतलब जो चीज़ जिसके लिए बनी नहीं है उसको एक्सेप्ट करना क्या है, मिथ्या योग में कहा जाता है। उसको देखेंगे, अब ये तो हो गया आपके इंद्रियों की बात हो गई, अर्थात अर्थ का मतलब इंद्रियों संबंध हो गया, अर्थ काल कर्म की बात हो गई। उसको देखेंगे हम लोग कि काल का मतलब अर्थ का हो गया, अब काल का देखेंगे, दूसरे नंबर पे काल का देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो काल का क्या है, काल जैसा जानते हैं, जैसे काल अगर मोटे मोटे तौर पे काल तीन होती है, ठंडी गर्मी बरसात, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि ठंडी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, ठीक है। तो काल का त्रैविध तथा हीन आदि योग, तो काल के तीन योग, तीन भेद बताए गए, साथ ही साथ इन प्रत्येक तीन भेद का हीन योग अति योग मिथ्या योग के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है कालस्तु शीत उष्ण वर्षा भेद अस्तिघा मतलब, तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि काल के यहाँ कितने भेद बताए गए, तीन भेद बताए गए हैं, शीत अर्थात ठंडे की ऋतु, उष्ण अर्थात ग्रीष्म ऋतु, वर्षा तो जाती है, भेद से तीन भेद होते हैं, काल यहाँ तीन भेद बोले गए हैं, शीत उष्ण वर्षा भेद से काल तीन भेद बोले गए हैं। उसको देखेंगे प्रत्येक का, चाहे शीत हो चाहे शीत मतलब ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात या ठंडी गर्मी वर्षा, के प्रत्येक के तीन भेद होते हैं। प्रत्येक कौन कौन तीन भेद, हीन योग अति योग और मिथ्या योग, प्रत्येक के तीन भेद मतलब हीन योग अति योग मिथ्या। तो उसके बाद देखेंगे तो सह हीनो हीन शीत आदिर अति योगो अति लक्षण, अर्थात हम लोग पहले अति हीन योग की बात करेंगे। तो जो भी ऋतुएं हैं, चाहे शीत हो मतलब ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनका हीन योग क्या होगा, कि स हीनो हीन मतलब अगर बात करें कि अपने अपने ऋतुओं में, अपने जो ऋतु, मान लीजिए गर्मी है, गर्मी का ऋतु है, बहुत कम गर्मी पड़े तो कहते हैं ना ये हीन योग है, ठंड की ऋतु में बहुत कम ठंड पड़ना क्या कहते हैं, ये हीन योग है, उस ऋतु का हीन योग है, वर्षा के समय बहुत कम बारिश होना ये हीन योग है। तो ये कह रहा है स हीनो हीन लक्षण, जो मतलब कि ऋतु का अपने लक्षण के हिसाब से कम होना, वो क्या कराएगा, स हीनो हीन शीत शीतादि मतलब जो ऋतुएं हैं उसके हिसाब से उनके जो लक्षण होते कम प्रकट होंगे तो हीनों के अकाउंट होंगे। और उसके साथ अति योग अति लक्षण, अगर वही लक्षण जैसे प्रचंड गर्मी इस समय चल रही है बच्चों, आज का दिन हम लोग जानते हैं कि 26 जून है, 26 मई है, 26 मई को आपने देखा होगा 25 मई का टेम्परेचर क्या था, 47-48 तो कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, ये अति योग में है बच्चों। यहाँ देखेंगे अति योग अति लक्षण, अर्थात ऋतुओं का अपने लक्षण से अत्यधिक मात्रा में लक्षण प्रकट करना, ज़्यादा प्रकट करना, जैसे ठंडी के समय बहुत ठंडी पड़ना, गर्मी के समय बहुत गर्मी पड़ना जो कि आसमान पड़ रहा है, और बरसात के समय में अत्यधिक वर्षा होना, तो ये क्या है, ये अति योग के लक्षण होते हैं। अब उसके बाद करेंगे मिथ्या योग के बारे में बात करेंगे, मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टो विपरीत स्वलक्षण, अर्थात मिथ्या योग क्या होता है, सीधी सीधी बात है कि ठंडी के समय गर्मी पड़ जाना,
मतलब जो ऋतु है मिथ्या योग का मतलब भाई गर्मी का समय है तो उसमें गर्मी पड़ना चाहिए, तो ये तो ठीक है, चाहे वो ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, ज्यादा होगा तो अति योग होगा, कम होगा तो हीन होगा। लेकिन गर्मी के समय में ठंडी अगर आ जाए, गर्मी के समय में बरसात घुस जाए तो क्या होगा, ये मिथ्या योग है। उसी तरह से ठंडी के समय में गर्मी आ जाए, ठंडी के समय बरसात आ जाए, तो हर एक ऋतु के विपरीत कोई लक्षण आ जाए तो उसको हम लोग मिथ्या योग कहेंगे। मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टो विपरीत स्वलक्षण, उस ऋतु के लक्षण के अनुसार उसके विपरीत लक्षण, विपरीत ऋतु के लक्षणों का आना मिथ्या योग कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका काल का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, और उसके तीन भेद बात करेंगे। उसको देखेंगे कर्म के तीन भेद, कर्म का त्रैविध अर्थात कर्म के तीन प्रकार देखेंगे, और तीनों प्रकार का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे काय वांग चित्त भेदेन कर्मा पी विभजित त्रिद। तो यहाँ पर कर्म के तीन भेद बोले गए, किसके बेसिस पे, काय अर्थात काई मतलब शरीर के द्वारा, जो हम हाथ इधर उधर फैला रहे हैं या लिख रहे थे शरीर के द्वारा हो गया। वाक जो बोल रहे हैं वाचिक, इसको बोलते हैं वाचिक, मतलब वाणी के द्वारा बोलना, तो वाचिक हो गया। और चित्त भेदन और कुछ मन के द्वारा जो होता है कि एनालिसिस होता है, सोचते हैं, तो ये मानसिक हो गया। यहाँ पर कार्य के तीन भेद हो गए। तो काय कर्म के तीन भेद होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से जो कार्य होता है तीन प्रकार का होता है। अब यहाँ पर प्रत्येक के जो है हम लोग हीन योग, अति योग, मिथ्या के बारे में बात करेंगे। तो काय आदि कर्मणाम हीन प्रवृत्ति, तो काय आदि कर्मणाम का मतलब कि शारीरिक, कायिक, वाचिक और मानसिक जो कर्म होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है अगर वो कम है, मान लीजिए हम कम में शारीरिक कार्य कम कर रहे हैं, बोलने का काम कम कर रहे हैं, सोचने या विचार करने का काम कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से कम हो रहा है, तो क्या है, तो कम जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो रहा है, वो हीन योग होगा, उस पर्टिकुलर कर्म का हीन योग होगा। और विधि कहेंगे अति हीन संज्ञा का, उसको हीन योग की संज्ञा में काउंट करेंगे। उसको देखेंगे अति योग हो, अति प्रवृत्ति, अगर उसी तरह से जो कम हो रहा था, जो जैसे कहते हैं कुछ लोग बहुत सुस्त होते हैं तो उनकी उनकी क्या है, ये हीन योग हो गया। या कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे कुछ लोग कम बोलते हैं तो क्या होगा, वो हीन में चला जाएगा, मतलब कि वाचिक का, बोलने का, जीवा का कम हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा बोलना जो जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका अतियोग में काउंट हो जाएगा। तो वही कह रहा है क्या, यदि अतियोग तीव्रस्तु अतिवृत्तस्तु, तो अतियोग मतलब कि जो भी आपका शारीरिक, वाचिक और मानसिक का अति मात्रा में प्रयोग होना, प्रवृत्ति होना अतियोग है। अब देखते हैं तीसरा होता है कि उसका मिथ्या योग क्या है। तो मिथ्या योग थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ वेग उदीरण धारण, मतलब जो हम लोग जैसे अगर हम इस समय पढ़ा रहे हैं, अगर हमें टॉयलेट का वेग आ गया तो उसको धारण न करना, मतलब तुरंत जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको फिर भी हम सोच रहे हैं कि लेक्चर खत्म हो जाए तब उसके बाद जाए, तो ये क्या है, इसका मिथ्या योग है बच्चों। तो ये कर्म का मिथ्या योग है, क्योंकि शरीर के द्वारा उसको त्याग करना है, लेकिन हम त्याग नहीं कर रहे, लेक्चर के चक्कर में नहीं त्याग कर रहे हैं। तो ये क्या है, वेग उदीरण धारण अर्थात उपस्थित वेग का, वेग को धारण करना क्या है, मिथ्या योग है बच्चों, क्लियर है। उस पर देखेंगे विषम अंग क्रिया आरंभ, अंगों को विषम स्थित, जैसे अंग है विषम रूप में स्थित अंग है, उसके द्वारा कार्य आरंभ करना, ये भी क्या है आपका ये मिथ्या योग है। उसमें देखेंगे पतनश्च अर्थात गिरना, चलते मान ले गिर गए, चलते चलते गिर गए, उसको क्या कहेंगे, मिथ्या योग है। अस्थानादिकम अर्थात अपने स्थान से फिसलना, ये भी मिथ्या योग में काउंट होगा। उस पर देखेंगे भाषण सामी भुक्तस्य अर्थात खाना खाते, सामी भुक्तस्य मतलब होता है सामी भुक्तस्य भाषणम अर्थात खाना खाते समय कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, तो खाना खाते समय बोलना क्या है, मिथ्या योग में काउंट होगा बच्चों। उस पर देखेंगे राग द्वेष भय आदि जो कर्म होते हैं, साथ ही साथ देखेंगे प्राण अतिपात आदि दशधा, जो प्राण जो दिनचर्या में बताया गया जो प्राण अतिपादित जो 10 जो निंदित कर्म है, ये भी मिथ्या योग में काउंट होंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिविध कारण रोगों के पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लोग कि त्रिविध रोग मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप बात करें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना भी कम इंपॉर्टेंट कहा जाए ये मतलब उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो तीन प्रकार के रोग मार्ग होते हैं। तो पूछा जाता है कि तीन त्रिविध रोग मार्ग के बारे में लिखिए, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है त्रिविध रोग मार्ग, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है त्रिविध रोग मार्ग। तो यहाँ पर त्रिविध रोग मार्ग में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे लॉन्ग की बात करें, चाहे शॉर्ट की बात करें, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें। तो देखेंगे निदानम एतद दोषाणाम कुपितास्तेन न एकथा,
कुर्वन्ति द्विविधान व्याधीन शाखा कोष्ठ अस्थि सदिशु। यहाँ पर निदानम एतद् दुष्टराम, तो जो दोषों के निदान होते थे, कुपित दोषों के कुपित होने के निदान हम लोगों ने यहाँ पर बताया, दोषों के प्रकोप के संक्षिप्त कारण निदान के बारे में बात किया, तो यहाँ पर एक एक करके बता दिया गया है। उसके बाद कुर्वन्त द्विविधान, जब दोष कुपित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, व्याधीन अर्थात ये रोग उत्पन्न करेंगे, ये जो दोष कुपित हो रहे थे अर्थ काल कर्म के असात्म संयोग से दोष कुपित हो रहे थे, तो क्या करेंगे, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। रोग उत्पन्न करेंगे तो ये रोगों के कुछ रोग मार्ग भी होते हैं, तो यहाँ देखेंगे शाखा कोष्ठ अस्थि संधि, तो शाखा एक हो गया, कोष्ठ दो हो गया, अस्थि संधि तीन हो गया, तो अस्थि संधि दोनों एक में रहेगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोगों के तीन मार्ग कौन कौन से हैं, शाखा को पहले नंबर पे शाखा है, दूसरे नंबर पे कोष्ठ है, तीसरे नंबर पे अस्थि संधि है। तो यहाँ पर देखेंगे तीन चीजें हैं, शाखा पहले नंबर पे शाखा है, दूसरे नंबर पे कोष्ठ है, तीसरे नंबर पे अस्थि और संधि, ठीक है ना, अस्थि संधि है। अब शाखा को भी अन्य नाम से जानते हैं, शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाह रोग मार्ग, शाखा को क्या बोलते हैं, वाह रोग मार्ग, इसको यही आपका एक एक करके प्रश्न बनेगा, इसी तरह से लिखना है, वाह रोग मार्ग, वाह रोग मार्ग। कोष्ठ को हम लोग बोलते हैं अंत रोग मार्ग, अंत, और अस्थि संधि को क्या बोलते हैं, मध्यम रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, ठीक है बच्चों। तो ये याद कर लीजिएगा कि मोटा मोटा हम लोग को ये याद रखना है कि तीन रोग मार्ग कौन कौन से थे, शाखा कोष्ठ अस्थि संधि, पहले नंबर पे शाखा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है कोष्ठ हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अस्थि संधि जाएगा। शाखा को हम लोग वाह रोग मार्ग कह सकते हैं, कोष्ठ को हम लोग अंतर रोग मार्ग कहेंगे, अस्थि संधि को हम लोग मध्यम रोग मार्ग कहेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है, तो देखेंगे शाखा में क्या क्या बॉडी का पार्ट आता है, कोष्ठ के अंतर्गत बॉडी का क्या पार्ट आता है, अस्थि संधि में क्या क्या पार्ट आता है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूछ देगा कि शाखा में कौन कौन से पार्ट है तो आपका एमसीक्यू बन जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर वाह रोग मार्ग, पहले नंबर पर वाह रोग मार्ग बात करेंगे, वाह रोग मार्ग हम लोग किसके कहा, शाखा को बोला है, तो देखेंगे वाह रोग मार्ग किसको बोला गया, शाखा को बोला गया है। यहाँ क्लियर कट कहेगा कि शाखा रक्तादेश तक जो वाह रोगायनम ही तक, तो जो शाखा होती है वाह रोग मार्ग में काउंट होती है, हम लोग कहा ना शाखा क्या है, वाह रोग मार्ग में काउंट हो रही है, शाखा रक्त आदेश त्वकर, तो शाखा के अंतर्गत क्या क्या चीजें शरीर की आती है, रक्त आदि जो धातुएं प्लस त्वचा, शाखा के अंदर क्या आएंगी, रक्त आदि धातुएं प्लस त्वचा, रक्त आदि धातुएं, इसका मतलब रस को छोड़कर जो छह धातुएं हैं, रक्त रस को छोड़कर रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये छह धातुएं प्लस त्वचा जो है वह रोग मार्ग के अंतर्गत आएगा, था शाखा के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। उसके बाद इसको हम लोग को बोलेंगे वाह रोग आयन, रोग अयन, ये वाह रोग के मार्ग होते हैं ऐसा बोला गया है। अयन का मतलब क्या होता है, अयन का मतलब होता है मार्ग, अयन का मतलब होता है मार्ग, अयन वाह रोग अयन अर्थात वाह रोग मार्ग, ठीक है ना। तो शाखा को वाह रोग मार्ग बोला गया है, और उसमें शाखा के अंतर्गत आएगा क्या क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त आदि धातुएं छह होती है प्लस त्वचा ये आएंगी, टोटल सात चीजें हैं, उन्होंने एक तरह से रस को न बताकर उसकी जगह त्वचा बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको देखेंगे, अब इसमें बताया गया है कि इस पर्टिकुलर त्वचा रक्त आदि धातुएं प्लस त्वचा के अंतर्गत कौन कौन से रोग आएंगे, तो यहाँ देखेंगे तद आश्रय उनमें अर्थात वाय रोग मार्ग में या शाखा में या रक्त धातु में या त्वचा में कौन कौन से रोग है, तद आश्रय मशक हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा, गंड हो जाएगा, अलजी हो जाएगा, अर्बुद, ये आपके रोग होंगे वाह रोग मार्ग, ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो जो होते हैं देखेंगे बहिर्भागश, इसको भी वाह रोग मार्ग कहते हैं, साथ ही साथ दुर्नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मशक है, व्यंग है, गंड है, अलजी है, अर्बुद है, इत्यादि के साथ साथ दुर्नाम अर्श का पर्याय है, दुर्नाम किसका पर्याय है, अर्श का, अर्श किसको बोलते हैं, पाइल्स को बोलते हैं, जानते हैं गुदागत रोग होता है, पाइल्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अर्श होता है, इसको पाइल्स बोलते हैं, तो इसको दुर्नाम बोलते हैं। गुल्म है, ये गुल्फ नहीं, गुल्म है, शोफ है, शोफ का मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, आदि जो रोग होते हैं ये भी बहिर्भाग रोग, वायुगत रोग या बहिर्भागत रोग के अंतर्गत आते हैं, मार्ग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पार्ट है, यही पार्ट जो है दुर्नाम अर्श गुल्म शोफ
ये आपके इसमें भी आएंगे, ये आपके अंतः मार्ग में आएंगे, शोक अर्श गुल्म, शोक अर्श गुल्म ये अंतः मार्ग में आएंगे। तो ये बहिर वाह्य रोग मार्ग और अंतः रोग मार्ग दोनों में कॉमन होगी, इसलिए आप लोगों ने अंडरलाइन किया। उसपे क्या अंतर रोग मार्ग, दूसरा नंबर पे क्या कोष्ठ, तो देखेंगे अंत कोष्ठ हो महास्रोत, तो कोष्ठ अंतर रोग मार्ग में, अंतर रोग मार्ग में कोष्ठ आता है, या कोष्ठ को हम लोग अंतर रोग मार्ग में काउंट करते हैं, और उसको कोष्ठ को हम लोग या कोष्ठ में अंतर्गत शरीर का कौन कौन सा पार्ट आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। महास्रोत, महास्रोत का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, महास्रोत का मतलब एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, पूरा पूरा गट हो जाएगा। और साथ ही साथ आम पक्वाशय आश्रय, आमाशय पक्वाशय का जो आश्रय होता है अर्थात जो पार्ट ग्रहणी, आमाशय पक्वाशय आश्रय अर्थात ग्रहणी, ग्रहणी वाला पार्ट होता है वो भी काउंट होता है मेनली। महास्रोत का मतलब इसी पार्ट को कहा गया है ग्रहणी, आमाशय पक्वाशय आश्रय। आमाशय मतलब कि स्टमक का, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हुए उनके बीच में जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात उसका ड्यूडिनम वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्रहणी अर्थात ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ठीक है ना। ड्यूडिनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, जो आमाशय पक्वाशय के मध्य में स्थित होता है। अब देखेंगे इस आमाशय इस रीजन में कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, तो तत्स्थान मतलब पर्टिकुलर अंतर रोग मार्ग या कोष्ठ में या फिर आमाशय पक्वाशय के मध्य में कौन कौन से रोग होंगे। छर्दी अर्थात वमन, अतिसार, काश, श्वास, उदर और ज्वर, ये होंगे अंतर रोग मार्ग, ठीक है ना, रोग मार्ग। और साथ ही साथ इसमें कुछ और रोग भी होंगे देखेंगे, सोफ अर्थात सोफ अर्स गुल्म विसर्प विदृति, तो ये कुछ कॉमन और भी चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा सोफ अर्स गुल्म जो है वाह्य और अंतर रोग मार्ग दोनों में आता, आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो वाह्य और अंतर दोनों ऑप्शन रहेगा, बोथ रहेगा। तो देखेंगे तीसरा मध्यम रोग मार्ग, एक तो हो गया वाह्य रोग मार्ग, दूसरा हो गया अंतर रोग मार्ग। वाह्य रोग मार्ग हम लोगों ने शाखा में काउंट कर लिया और अंतर रोग मार्ग हम लोगों ने कोष्ठ में काउंट कर लिया। अब बात करते हैं मध्यम रोग मार्ग की, तो मध्यम रोग मार्ग हम लोगों ने देखा अस्थि संधि है, मध्यम रोग मार्ग हम लोगों ने बॉडी का कौन सा पार्ट है, अस्थि और संधि की बात करते हैं। यहाँ देखते हैं कि सिरो हृदय वस्त्रादि मर्माणि स्थानां च संधेयः, तो जो भी सिरो हृदय वस्त्र आदि जो जो मर्म है, तो देखेंगे कि मर्म अस्थि संधि जो भी मर्म है, अस्थि है, संधि, ये सब किस में काउंट होंगे, मध्यम रोग मार्ग में। आप लोगों ने देखा था अस्थि संधि, तो ये सिरो सिरो मर्म, हृदय मर्म, वस्थि मर्म आदि जो मर्म है, मर्मों का स्थान है, और साथ ही साथ अस्थि है और संधि है, ये किस में काउंट होंगे, मध्यम रोग मार्ग में काउंट होंगे बच्चों। तत्निबद्ध उससे जो अटैच रोग होते हैं, उससे संबंधित रोग होते हैं, वो सिरा है, स्नायु है, कंडराद है, मध्यगश, तो मतलब कि जो मध्यम रोग मार्ग में सिरा, स्नायु, कंडरा आदि भी आते हैं जो मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से रोग मार्ग है, ये रोग मार्ग हो गए स्थित तत्र अर्थात इससे इसमें मध्यम रोग मार्ग में स्थित या जो भी ये अस्थि संधि मर्म में जो भी रोग होते हैं, इसमें यक्षमा है, ट्यूबरकुलोसिस होता है बच्चों, देखेंगे पक्ष होता है मतलब पैरालिसिस की बात की गई है, वध पक्षवध मतलब अर्धित हो गया अर्थात फेसियल पैरालिसिस की बात किया, मूर्धा आदि रोग है, मूर्धा आदि रोग की बात कर रहा है, सिर के रोग की बात कर रहा है, संधि अस्थि त्रिक चूल, तो ये संधियों अस्थियों में जो त्रिक में मूर्धा आदि रोग, संधि अस्थि और त्रिक चूल की बात कर रहा है, ग्रह आदि जो ग्रह अर्थात जो जगड़ाहट होती है इत्यादि जो रोग होते हैं वो आपके मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आ गए। इस तरह से हम लोगों ने ये लेक्चर कम्प्लीट हुआ, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हो तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।